विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले शनिवार को बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के लिए जारी किए गए बिडिंग ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सबने एक स्वर में सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। गौरतलब है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लगातार निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष बैठकर सरकार के फैसले के विरोध में नारेबाजी की और केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के लिए लिए गए ड्राफ्ट की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध जताया। इस संबंध में इंजीनियर सोमदास शर्मा ने बताया कि सरकार निजीकरण करना चाहती है, यह न तो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में है, न ही जनता के हित में है। यही कारण है कि समिति द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस अवसर पर पूजा सिंह, शशि कपूर, जगन्नाथ यादव, सत्येंद्र मौर्य, विनोद श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह, अरुण गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर सोमदास शर्मा ने कहा, सोमदास शर्मा। आज हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ है कि जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा लाया गया है, लाया जा रहा है, हम ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं और ये सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि अब हम गांधीवादी विचार छोड़कर आपके अध्यादेशों का बिल्कुल अस्वीकार करते हैं और उनकी होली जलाते हैं। हम किसी भी कीमत पर आपके इन अध्यादेशों को नहीं मानने जा रहे हैं। क्या मांग है? केवल एक मांग, और वो भी कोई मांग नहीं है, वो हमारा हक है। हम मांग नहीं मांग रहे, हम अपना हक ले रहे हैं, अपना हक के लिए कह रहे हैं कि हम सरकारी क्षेत्र में आए थे, हमको आप सरकारी क्षेत्र में रहने दीजिए, हमको क्यों निजीकरण की राह पर धकेल रहे हैं।